हेलो एवरीबॉडी, आज हम आ चुके हैं रंगीत टाटा पे। तो अगर आप कैलकाटा में रहते हो और आपको टाटा मोटर्स की कोई भी कार खरीदनी है शोरूम पे आ जाना। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। तो आज हमारे पास है एक्सक्लूसिव ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी, और ख़ास बात यही है कि बिल्कुल नई नवेली डार्क एडिशन अपने पास आ चुकी है। तो हाल ही में नेक्सॉन और नेक्सॉन डॉट ईवी का डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है टाटा ने। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डार्क एडिशन में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या डिफरेंस है नॉर्मल जो नेक्सॉन डॉट ईवी उसके कंपैरिजन में। तो शुरू में आपको बता दूं, डार्क एडिशन अगर आप लेते हो तो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा जो कि है एम्पावर्ड प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्रंट लुक कार की देख लो, जो रेगुलर नेक्सॉन डॉट ईवी है वैसी ही है, जस्ट कलर का फर्क है। ऑल अब आपको ब्लैक मिलता है, पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। यहाँ पे अगेन नया जो टाटा का 2D लोगो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, और चाबी अगेन जो टिपिकल टाटा की मिलती है लॉक अनलॉक, ये अपना फॉलो मी होम हेडलैम्प और ये बूट खोलने के लिए। देख सकते हो लॉक अनलॉक के लिए वही आपको जो वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन है वो दिया गया है, जो कि हकीकत में काफ़ी प्रीमियम आपको लगने वाली है। हेडलैम्प की बात करें तो वही LED सेटअप आपको यहाँ मिल जाता है, ये अपना हेडलैम्प, ये अपना फॉग लैम्प, तो काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है। बाकी यहाँ पे सेंसर्स भी सामने आपको मिलते हैं, कैमरा का भी प्लेसमेंट आप देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी कार की बहुत ज़बरदस्त आपको लगने वाली है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास मिल जाता है एरो ट्विन वाइपर्स, जिनकी क्वालिटी हकीकत में बहुत अच्छी है। साइड से देखोगे तो चेंज यही है कि अब अलॉय व्हील के डिज़ाइन में और कलर में यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा डार्क आपको मिलता है, ये भी क्रोम की बजाय थोड़ा सा गन मेटल टाइप ऑफ आप कह सकते हो, मतलब थोड़ा सा डार्क यहाँ पे थीम दिया गया है। यहाँ पे ब्लू में डॉट ईवी की बैज आपको मिलती है, हैशटैग डार्क की भी बैजिंग मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हो ORVM है टर्न इंडिकेटर्स के साथ, और कार में 360 आता है तो यहाँ पे भी कैमरा आपको मिल जाता है। डार्क एडिशन इसीलिए सब कुछ यहाँ पे डार्क है, क्रोम का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे कि काफ़ी अच्छी लुक आपको मिलने वाली है। ब्लैक कलर में डोर हैंडल है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स भी है, यहाँ पे रूफ रेल है, शार्क फिन एंटेना है, और सनरूफ भी आप देख सकते हो। बाकी पीछे भी अच्छी बात है कि आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215/60 R16 सामने पीछे दोनों जो इक्वली है वही आपको मिल जाता है सेक्शन। यहाँ पे स्पॉइलर का भी ट्रीटमेंट आप देख सकते हो, और ये है इसकी रियर लुक देख सकते हो। ये है इसकी लाइटिंग, अगेन ऑल कनेक्टेड आपको मिल जाता है यहाँ पे लाइट का सेटअप, ठीक है। अगेन वो 2D टाटा लोगो विद द कैमरा, और वाइपर यहाँ पे बिल्कुल हिडन है, बिल्कुल प्रीमियम कार वाली टच जो है यहाँ पे दी गई है। डिफॉगर यहाँ पे है, और जो रिफ्लेक्टर है वो आपको यहाँ मिल जाता है, रिवर्स लैम्प यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है सिक्वेंशियल में। नेक्सॉन डॉट ईवी की बैजिंग आपको मिल जाती है, ये बैजिंग बेशक क्रोम में है, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको ब्लैक मिलता है। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो आपको मिल जाते हैं पीछे दो, और जो बूट है उसको भी हम खोल के आपको दिखा देते हैं। बूट स्पेस भाई बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्रॉपर पार्सल ट्रे है, यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट लैम्प, चार ऐसे हुक भी आपको दिया गया है, और जो चार्जिंग का सामान है वो आपको यहाँ मिलता है, और नीचे स्पेयर व्हील भी आपको इस कार में मिल जाता है। तो चलो बाहर से थी यही कहानी, अंदर की बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर आपको क्या मिलता है। डार्क एडिशन इसीलिए सब कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक मिलता है, ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये वाला पोर्शन आपको ऑल सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम एक टच बढ़ाता है। बॉटल होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्पीकर यहाँ पे है, फिर ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ दिया गया है, मैनुअली एडजस्टेबल सीट है 6-way, बट आपको यहाँ पे वेंटिलेशन का भी फंक्शन मिलता है, एंड ऑल ब्लैक्ड आउट सीट्स आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत कंफर्टेबल ये सीट्स लग रही है, देख सकते हो यहाँ पे भी हैशटैग डार्क की बैजिंग है, और अंदर थोड़ा सा ब्लूइश देख सकते हो, अंदर से हल्का सा ये फील मेरे को आ रहा है। तो चलो फटाफट बैठ जाते हैं अंदर, और ये है इसका ओवरऑल लेआउट। अभी मैं आपको कार को जरा स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, ये लो क्या डिस्प्ले है भाई साहब, इतनी प्रीमियम है ना ये कार अंदर से, मज़ा आ गया। सबसे पहले वही इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो यहाँ पे, ऑडियो के सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड पे दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल आपको राइट साइड पे मिलता है, और ये जो MID है इसको भी ब्राउज करने का फंक्शन आपको दिया गया है। इस बटन से आप इसका जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। फोकस ले ले थोड़ा सा, हाँ ये देखो, मतलब A to Z जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सब कुछ ये आपको प्रोवाइड करके दे देता है। बढ़िया सिस्टम है यार, इसमें कोई लैग वगैरह नहीं है, बहुत क्रिस्प है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत प्रीमियम है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, डी कट है, यहाँ पे भी ग्लॉस ब्लैक का इंसर्ट देख सकते हो, 6-6 एयरबैग्स है, और हाँ इस कार का हाल ही में जो नया वर्जन है, जो फेसलिफ्ट है नेक्सॉन का, क्रैश टेस्ट किया गया है, 5 स्टार इसको मिल चुका है एडल्ट एंड चाइल्ड में, तो वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया है। बाकी ये सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, ये वाला जो डिजाइन है
ये आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट्स में मेरे को बता दो। और यहाँ पे आपके पास मिल जाता है, अगेन यहाँ पे स्टिचिंग तो किया गया बट वो इतना भी सॉफ्ट नहीं है, बट एटलीस्ट ये प्रीमियम टच बढ़ा रहा है। और यहाँ पे इस कार का जो मेन अट्रैक्शन है वो आपको दिया गया है, 12 इंच का स्क्रीन है भाई साहब, पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब तो बेसिक चीज है, ये सब तो वायरलेस है, लेकिन यहाँ पे अमेजोन एलेक्सा वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। इवन जो JBL मोड्स है, देख सकते हो यार क्या अटेंशन टू डिटेल किया है टाटा ने, दिल जीत लिया। देख सकते हो इतने सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। सराउंड व्यू में जो कैमरा की क्वालिटी है, माई गुडनेस दिस इज फेनोमिनल। जो क्लैरिटी इस बार टाटा ने प्रोवाइड किया है अपनी रिसेंट कार्स के कैमरा में, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स, फैंटास्टिक, फेनोमिनल। तो यहाँ पे AQI भी आपको मिल जाता है क्योंकि इस कार में एयर प्योरीफायर भी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग लिट खोलने का ये बटन है, ये अपना फॉग लैम्प के लिए, ये हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, ये है अपना जो हैजार्ड लैम्प है उसके लिए, बूट खोलने के लिए, डोर लॉक अनलॉक के लिए और 360 व्यू के लिए। AC के सारे कंट्रोल्स आपको मेजरली टच में मिलते हैं, सिंगल जोन AC है, बट जो ब्लोअर की स्पीड है इसको एडजस्ट करने का फंक्शन, और जो टेम्परेचर है उसको चेंज करने का टेम्परेचर यहीं पर डिस्प्ले आता है, ये आपको फिजिकल मिलता है। बाकी ये सारे के सारे बटन आपको मिल जाता है टच में, ये आई बिलीव इसका एक्सप्रेस कूल बटन है। बाकी नीचे बात करें तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, टाइप ए का सॉकेट है और टाइप सी का भी सॉकेट है, देख सकते हो 45 वॉट का। और ये जो गियर लीवर इसका है बड़ा प्रीमियम है, PR&D ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मोड्स मिलते हैं, बड़ी अच्छी इसकी फील आपको लगने वाली है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट भी जरा देख ही लेते हैं, हाइट के लिए है और रीच के लिए नहीं है। आपको लग सकता है वह कि ये पैडल शिफ्टर्स है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार्स में ये जो दिया जाता है ये रीजन मोड के लिए आपको मिल जाता है। बाकी नीचे यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है ऑटो होल्ड के साथ, और ड्राइविंग मोड भी आपको यहाँ पे दिया गया, देखो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इको मोड में रेंज दिखा रही है 357, स्पोर्ट ड्राइव मोड, स्पोर्ट में 328 और नॉर्मल में 345। इको पे ही रखते हैं, दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि जितना रेंज बढ़े उतनी ही ईवी की यूएसपी बन जाती है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिल जाता है, आर्मरेस्ट यहाँ पे है, स्लाइडेबल नहीं है बट स्टोरेज भी इसमें आपको डिसेंट मिल जाता है। और क्या दिखाने लायक है, और है यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स जिसकी साइज बहुत बड़ी है, कूल्ड है, लिटअप है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे LED केबिन लाइट्स, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको दिया गया है, डार्क एडिशन इसीलिए सब कुछ ब्लैक है, छत ले लो, सीट्स ले लो, A to Z सब कुछ ब्लैक है, तो शायद बुजुर्ग लोगों को हो सकता है क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, बट मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी ईजी टू मेंटेन आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे आई बिलीव टिकट होल्डर होगा, जी हाँ वही है, और कुछ फिलहाल दिखाने लायक है नहीं। सीट कंफर्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया है, ट्विटर यहाँ पे है, आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया कुशन है, अंडर थाई सपोर्ट हल्की सी बेटर हो सकती थी बट ओवरऑल कुशनिंग ले लो, साइड सपोर्ट ले लो, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। अब चलो पीछे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेस क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, तो चलते हैं फटाफट पीछे। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी दिया गया है जिससे कि रात में आपके लिए थोड़ा सा सेफ ये बन जाए। ये देखो रियर डोर हमने खोल दिया है, डोर ओपनिंग इसकी अच्छी है, अगेन ऑल ब्लैक थीम है, ये वाला एरिया सॉफ्ट टच में है, ग्लॉस ब्लैक में ये हैंडल है, ट्विटर यहाँ पे है, स्पीकर यहाँ पे है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, पावर विंडो का स्विच यहाँ पे है, ठीक है। बैठ जाते हैं अंदर, और पीछे की सीट तो सामने के मुकाबले मेरे को ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, बिल्कुल सोफे वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो नी रूम है दिस इज डिसेंट इनफ, मेरी 6 फीट हाइट है, लेग रूम भी काफ़ी सफिशियंट है, बट यहाँ पे कोई मैगजीन होल्डर नहीं है। पीछे 2 AC वेंट आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे अगेन 45 वॉट का एक मिल जाता है टाइप सी आपको सॉकेट, तो अच्छी बात है। और फ्लोर पहले के मुकाबले बहुत फ्लैट हो चुका है, पहले जो नेक्सॉन या फिर नेक्सॉन EV आती थी उसमें हम्प अच्छा खासा था, बट अभी इन्होंने जो नई EVs निकाला है इसमें हम्प काफ़ी हद तक कम कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगेन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स, और तीनों पैसेंजर के लिए प्रॉपर 3-pointer सीट बेल्ट है आइसोफिक्स माउंट्स के साथ। तो यही थी कहानी, और 60-40 स्प्लिट सीट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलो फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ जिसके लिए ईवी कार सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो कि कार की बैटरी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, जो चार्जिंग लिड है वो आपको कार के लेफ्ट साइड पे दिया गया है। तो चलो फटाफट मैं आपको इसका जो बॉनेट है वो खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, काफ़ी भारी बॉनेट है क्योंकि मजबूत कार है, तो डेफिनेटली भारी होने ही वाली है। इंसुलेशन वगैरह नहीं है क्योंकि इंजन तो है नहीं कि शोर मचाएगी,
डॉट ईवी की भी आप बैच देख सकते हो। बैटरी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 40.5 किलोवाट आर की आपको ये बैटरी मिल जाती है अपने पास। ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट है। और पावर आउटपुट की बात करें तो ऑलमोस्ट 145 पीएस ऑफ पावर ये जनरेट करके दे देती है। टॉर्क आउटपुट इसका है 215 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। जो कंपनी क्लेम रेंज करती है दैट इज 465 किलोमीटर, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट एट दिस प्राइस पॉइंट। तो लास्ट एंड फाइनल जो चीज बाकी रह जाती है वो है कार की प्राइस। प्राइस की बात करें तो ये वाला जो अपने पास वेरिएंट है एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज डार्क एडिशन, इसकी एक शोरूम कीमत है 19.5 लाख रुपए। तो भाई 19.5 लाख रुपए में ऐसी एक ईवी मिलना जिसमें इतना बढ़िया रेंज है, इतने सारे लग्जरी फीचर्स हैं, इतना प्रीमियम फील है और स्पेशली ब्लैक कलर में हो, तो भाई साहब और क्या चाहिए। मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आप कोई ईवी ढूंढ रहे हो इस साइज़ में और इस सेगमेंट में और स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे, तो इससे बढ़िया कोई कार है ही नहीं। चाहे फीचर्स ले लो, बैटरी परफॉर्मेंस ले लो, बैटरी पैक ले लो, रेंज ले लो, ये सब तो मेन है ही, बट स्पेशली टाटा का जो ईवी का नेटवर्क है कंट्री की सबसे बेस्ट है। क्योंकि बैटरी में अगर कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो पार्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, और बहुत मेजर अगर कोई बैटरी में फॉल्ट आ जाए तो ये लोग रिप्लेस भी करके दे देते हैं। तो यही था वीडियो अबाउट द ऑल न्यू Nexon.EV डार्क एडिशन। आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी और स्पेशली ये कार आपको कैसी लगती है ये भी बता देना। एंड वंस अगेन थैंक्स टू रंगीत टाटा जिन्होंने हमको चांस दिया है ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप कोई भी टाटा की कार देखने का प्लान बना रहे हो शोरूम पे आ जाना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।